नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग को आज एक जानकारी देना चाह रहा हूँ। पल्सर 135 सीसी एलएस इसके अंदर में मैग्नेट कॉइल होता है और ये पिकअप कॉइल है। कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, करंट जो है कि छोड़ देता है गाड़ी। तो जो ये कॉइल है, इसके तार में आप यहाँ पर ये जो तार है, इस जो ये तार है इसमें किसी में भी करंट नहीं देता है, इसमें करंट देता ही नहीं है। अगर इस ये कॉइल सही है कि नहीं है, इसके लिए हमें ये जो CDI में सादा तार है इसमें चेक करना पड़ता है। अगर इसमें करंट दे रहा है और ये जो बैटरी का तार है इसमें करंट दे रहा है, तो समझ लीजिए कि ये मैग्नेट वाला जो कॉइल है ये सही है। इसके बाद भी गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा तो जो ये तार है, ये वाला तार जो है, इस तार में करंट आना चाहिए। अगर इसमें करंट आ रहा है तब समझिए कि आपका CDI ख़राब है। अगर इसमें करंट नहीं आ रहा है तो आपको ये जो स्विच है, इस स्विच के बारे में भी जांचना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो तार है, एक कत्थी कलर का है और एक सादा और लाल में है। इसमें करंट आता है और इससे जाता है इधर CDI में। ये जो तार देख रहे हैं इसके थ्रू से ये दो तार है, इसके यहाँ से आपका इसमें करंट आता है ये स्विच से। तो कभी कभी ये स्विच भी ख़राब हो जाता है। जैसे इस गाड़ी में ये स्विच ख़राब है और इसमें करंट नहीं आ रहा। अगर इसमें करंट आता तब हम समझते कि CDI ख़राब है, मगर इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो आप इस स्विच को भी ज़रूर देखें। बार बार हम लोग परेशान होते हैं और लोग परेशान होते हैं, जैसे कि मैग्नेट कॉइल बदल देते हैं, इसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ फ्यूज है, इसमें भी करंट आसपास करता है, इसमें भी करंट आना चाहिए, इसमें भी आता है बैटरी और इसमें भी आता है चार्जर का। जो ये तार है चार्जर का, सादा तार में लाइन आना चाहिए। तो ये स्विच भी ख़राब है। अगर CDI वाला जो तार है इसमें अगर डायरेक्ट भी आप चाहिएगा तो बैटरी से करंट दे करके जांच सकते हैं CDI सही है कि ख़राब है। नमस्कार दोस्तों, मेरा जानकारी अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें।